हेलो फ्रेंड्स, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर के स्पेशल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2023 मंडे एंड अभी रात को 9:06। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर करेंटली ट्रेडिंग एट 79.00। इट ट्रेडेड हाई ऑफ 79.64। ये स्पेशल एनालिसिस क्यों है, उससे पहले हम चलेंगे वीक एंड का। जो हमारा वीकली एनालिसिस है उसमें हमने क्या एनालिसिस किया था, तो ये है आपका टिकर टीवी का वीकली एनालिसिस जो थोड़े टाइम पहले 8 घंटा पहले ही पब्लिश हुआ है, यानी मॉर्निंग आवर्स में फर्स्ट अप में पब्लिश हुआ है। इसका क्या एनालिसिस था, वीकली क्लोज दिया है आपका 77.24। ये आपका इसका शायद ऑडियो मेरे को एक पिन बार लोअर लेवल पे बनाया हुआ है एंड डेली पे एक 4 बार डाइवर्जेंस देन फॉलोड बाय पिन बार एंड उसके बाद ऊपर दिया है। दैट बीइंग द केस, यहां पे जो प्राइस एक्शंस बनाया हुआ है आल्सो डेली रेंज शिफ्ट है। डेली आप देखोगे रेंज शिफ्ट, यानी RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का जो करेंटली 77.24 है, वो आने वाले हफ्ते में ये 79 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 84 के तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये है आपका टिकर टीवी में जो हमारा वीकली एनालिसिस का एंड हमने डिस्कशंस किया था वो। अभी आते हैं, हमने जो वीकली एनालिसिस किया था, ये हमारा वीकली एनालिसिस है जो आपका सैटरडे को हमने पब्लिश किया था। जो चार्ट है एक पिन बार बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इन नेचर एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के बाउंस बैक करने के लिए ये जा सकते हैं। और डेली में भी एक कल फ्राइडे का जो थर्सडे का 15 दिसंबर सो फ्राइडे का जो हाई है उसके हाई के ऊपर हमें एक अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टुवर्ड 78.80 से 79.00 एंड उसको अगर तोड़ देगा तो ये आपका इस लेवल तक 84 की तरफ जाने का ताकत रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट दोनों वीकली एनालिसिस जो मैं अपने चैनल पे डिस्कस किया था, दैट वन एज वेल एज जो आपका टिकर टीवी में वीकली एनालिसिस का ब्रेंट क्रूड पार्ट था, उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट 79 का दैट इज मेट। वहां पे हमने क्या एनालिसिस किया था और एक बार जो लोग देखना चाहेंगे, यहाँ पे आपका 7th दिसंबर वर्सेस 12th दिसंबर 4 बार एक डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस, 4 बार RSI डाइवर्जेंस फॉलोड बाय ए पिन बार। दैट बीइंग द केस, ये जो 12th दिसंबर के हाई के ऊपर एक अपवर्ड डाइवर्जेंस का टारगेट, तो एक्चुअल इसका जो डाइवर्जेंस 4 बार का जो डाइवर्जेंस का टारगेट है इट इज 84.00, बट यहाँ पे एक हर्डल से 79.30 लेवल्स में, जिसके कारण यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट आ चुका था। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट टारगेट वाज 79 एंड द सेकंड टारगेट इज 84। अभी सेकंड टारगेट के लिए हमें इंतजार करना है, उस इंतजार के लिए हमें बाय डिप मे बी कंसीडर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, आप बोलोगे ब्रेंट क्रूड फ्यूचर ये तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो हमारे ट्रेड के लिए क्या है। हमारे ट्रेड के लिए जो MCX में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल फ्यूचर, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। वही आप देखो 7th दिसंबर वर्सेस 12th दिसंबर का जो 4 बार का डाइवर्जेंस है उसका जो टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट आ चुका है। अभी सेकंड टारगेट क्या हो सकते हैं, सेकंड टारगेट आपका ये जहां पे प्राइस रिजेक्शन आया थोड़ा सा वाइड होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक ऊपर की तरफ रिजेक्शन आया है। दैट बीइंग द केस, करेंटली ये आपका
6080 पे है प्राइस, एंड उसका जो फर्स्ट टारगेट है 79 के इक्विवेलेंट में ऑलरेडी हो चुका है, जो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे था उस इक्विवेलेंट, स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज द नंबर ऑफ आवर्स ट्रेडिंग आवर्स इज लिटिल डिफरेंट इन ब्रेंट फ्यूचर. सो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट वो हो चुका है, अभी सेकेंड टारगेट के लिए हमें खेलना है फॉर 6,650 का. सो ये एक टारगेट है सेकेंड लेवल के लिए. अभी सेकेंड लेवल के लिए हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बाई करने से नहीं होगा, हमें बाई डिप्स करना है. यानी आज का एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, आज आपका मंडे है, कल के दिन अगर हमें बाई डिप्स में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो हम वहां पे इस इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं. सो ये ही है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का स्पेशल एनालिसिस जो हमने वीकली हमारा एनालिसिस एज वेल एज टिकर टीवी में जो हमारा एनालिसिस आया है आज मॉर्निंग में, दोनों में हमने जो एनालिसिस किया था उसका फर्स्ट टारगेट इज मेट. नाउ हमें इंतजार है सेकेंड टारगेट. अभी सेकेंड टारगेट का जो है उसके पहले हमारा फर्स्ट हर्डल ये रेजिस्टेंस लेवल है जो 79.30 जो पहले सपोर्ट लेवल था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. फाइन. नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको भी तोड़ना है. सो टू अचीव द टारगेट, टू रीच द टारगेट ऑफ 84.20, उसके लिए हमें दो मेजर हर्डल्स है. फर्स्ट हर्डल इज 79.30 जो पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा. देन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस को कल ऑनवर्ड्स इसको अगर ब्रेकआउट कर देते हैं ऊपर की तरफ, देन एंड ओनली देन हमारा जो टारगेट है 84 का काफी स्विफ्ट होने का प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे हम कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे जाएगा ही, हम मार्केट एनालिसिस में कभी भी मार्केट को डायरेक्ट कर नहीं सकते, रेदर वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम. सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, there are higher possibilities कि ये 84.20 की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं. That being the case, in हमारा जो crude oil futures MCX में trade होते हैं, वहाँ पर भी आपका currently एक resistance है, उसके बाद एक trend line resistance भी है, ये जो red वाला है, उसको अगर तोड़ देता है, in such a case 6,570 पिप्स का एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिसेक्शन हुआ है, तो वहां पे हम जा सकते हैं. ये है आपका ब्रेंट क्रूड का स्पेशल एनालिसिस विसावी जो हमारा वीकेंड में एनालिसिस करेंसी एनालिसिस के साथ हमने जो एनालाइज किया था. फर्स्ट टारगेट इज मेट, नाउ सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ द टू रेजिस्टेंस लेवल्स वी विल वेट फॉर the second target. Hope ye presentations along with jo hamara analysis and teaching hai, jahan pe teaching ke liye aap dekhoge maine aapko 4 bar divergence, pin bar, uske baad all these things mein details mein analysis karke aapko dikhata, so that you can also have the idea ki a analysis kaise ho raha hai. So ye jo analysis aasha karta hu ye presentation. If so, like कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड बाय.